शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पर्यावरणीय परिस्थितियाँ बहुत विषम होती हैं। उदाहरण के लिए कम और अनियमित वर्षा, उच्च वाष्पीकरण और उच्च तापमान और सिंचाई के सीमित संसाधन। ऐसी पर्यावरण की परिस्थितियों में सस्ते फसलों की उत्पादकता संतोषजनक स्तर से कम होती है। पारंपरिक खेती में फल और सब्जी उत्पादन में वृद्धि का दायरा सीमित है। नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग से मौजूदा कम उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। इसी परिप्रेक्ष्य में शुष्क बागवानी काफी लोकप्रिय होती जा रही है। इसमें ऐसे पौधे उगाए जाते हैं जिन्हें बहुत कम पानी चाहिए। शुष्क बागवानी के जरिए विस्तृत क्षेत्रों में सुंदर फलदार बाग बगीचे लगाए जा सकते हैं और इसके लिए पानी भी बहुत कम लगता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों में कुछ चयनित फलों पर अनुसंधान के लिए साल 1993 में अखिल भारतीय शुष्क क्षेत्र फल समन्वित अनुसंधान परियोजना के केंद्र को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से लाकर बीकानेर में स्थानांतरित कर शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र का कार्य वास्तविक रूप में आरंभ किया गया। अल्प अवधि में राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र के द्वारा की गई प्रगति और शुष्क क्षेत्र की भविष्य की जरूरतों के फलस्वरूप 27 सितंबर सन 2000 से इसे संस्थान का दर्जा दिया गया और इसका नाम केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर रखा गया। बागवानी के क्षेत्र में इस देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है और यही कारण है कि आज संपूर्ण बागवानी का कुल उत्पादन 314 मिलियन टन के आसपास हो गया है। और यदि हम गुणवत्ता युक्त पोषण की बात करते हैं तो बिना बागवानी फसलों के इसकी परिकल्पना करना बेकार है। किंतु प्रारंभिक वर्षों में इस देश में जो कमर्शियल बागवानी फसलें हैं उन पर विशेष जोर दिया गया और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं और कुछ ऐसी अप्रायोगिक फसलें हैं जिनके बारे में काफ़ी बाद में सोचा गया और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1993 में केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की स्थापना इस उद्देश्य से की कि जो हमारा गर्म शुष्क क्षेत्र है जिसमें लगभग 39 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र फैलाता है उसके बारे में भी भारतीय कृषि अनुसंधान ने सोचा और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य शुष्क क्षेत्रों में फल एवं सब्जियों के बारे में शोध करना और इन क्षेत्रों के अनुसार तकनीकी विकसित करना। इन क्षेत्रों में पानी एक प्रमुख समस्या है, वर्षा कम होती है, गर्मी में तापक्रम बहुत बढ़ जाता है, जाड़े में बहुत कम हो जाता है और कुल मिलाकर के यहाँ की उत्पादकता बहुत कम होती है। इसी उद्देश्य से इस संस्थान की स्थापना की गई और सन 2000 में इस संस्थान का एक शोध केंद्र गुजरात में खोला गया। इसके अतिरिक्त इस संस्थान के साथ अखिल भारतीय समन्वित परियोजना का भी यह संस्थान मुख्यालय है जिसके 18 केंद्र पूरे भारतवर्ष में काम कर रहे हैं। यहाँ के वैज्ञानिकों, यहाँ के स्टाफ ने अथक परिश्रम करके इस संस्थान के 26 वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है और इतने समय में यहाँ से 43 प्रजातियाँ फल एवं सब्जियों की निकाली गई, जिनमें से 19 फलों की और 24 सब्जियों की प्रजातियाँ निकाली गई हैं और वो प्रजातियाँ किसानों के फील्ड में आज बहुत अच्छी मात्रा में पॉपुलर हो रही हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकियाँ, चाहे वो सघन बागवानी की हो, ड्रिप इरिगेशन की हो, फर्टिगेशन की हो या क्रॉपिंग मॉडल की हो, इसको भी किसान बहुतायत में अपना रहे हैं। इसके अलावा इस संस्थान ने बहुत सारे अभिनव प्रयोग किए हैं जिसमें टनल टेक्नोलॉजी या कुछ नई फसलों जिनकी खेती इन क्षेत्रों में नहीं होती थी उनकी भी खेती आज इस संस्थान के प्रयास से अच्छी तरीके से हो रही है। खजूर शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों की बहुत महत्वपूर्ण बागवानी फसल है। जहाँ का तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, पानी की प्रकृति क्षारीय हो, वार्षिक वर्षा 200 मिलीलीटर से कम हो और कोई दूसरी व्यावसायिक फसल नहीं होती हो, ऐसे क्षेत्रों के लिए खजूर की फसल एक वरदान है क्योंकि खजूर की खेती में लागत कम, उत्पादन अधिक और बाजार में मांग भी अधिक होती है। संस्थान के वैज्ञानिकों ने खजूर से अधिक उत्पादन पाने के लिए नए शोध विकास कार्य किए हैं।
खजूर गर्म शुष्क जलवायु में उगाए जाने वाला फल वृक्ष है। यहाँ जो हमारे संस्थान में खजूर के 64 जर्म प्लास संग्रहित किए गए हैं और उनके ऊपर अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। अनुसंधान कार्य में जो है ये पाया गया कि शुष्क गर्म शुष्क जलवायु में उगाए जाने के लिए हलावी, बरही, खुनेजी, मेडजूल इत्यादि किस्में उपयुक्त हैं। इनमें भी कुछ किस्में ऐसी हैं जैसे हलावी है, खुनेजी है, बरही है, जिनके फल ताज़ा खाए जाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जबकि जो मेडजूल किस्म है जिसका फल का आकार बड़ा होता है ये छुहारा बनाने के लिए सर्वोत्तम किस्म है। खजूर जो है 8x8 मीटर की दूरी पर लगाते हैं और 1 हेक्टेयर में 156 पौधे लगाए जाते हैं। और दो तरह के पौधे लगाए जाते हैं, एक होता है जो टिशू कल्चर से उत्पादित जो पौधा होता है उसको लगाते हैं, दूसरा होता है मादा पौधे के पास पौधे जो निकलते हैं सकर आफसूट भू स्तरी जिन्हें कहते हैं, उनको निकाल करके हम 8x8 मीटर की दूरी पर खड्डा तैयार करके उसमें हम लगाते हैं। पौधे में फलत जो है लगभग 4-5 वर्षों के बाद से प्रारंभ हो जाती है और ये एक ऐसा फल है जो कि 100 साल तक फल देता रहता है। हमारे देश में खजूर की खेती गर्म शुष्क जलवायु वाले प्रांत जैसे राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र इत्यादि प्रदेशों में की जा रही है और कुल लगभग 23-24 हजार हेक्टेयर में इसका उत्पादन हो रहा है। खजूर का फल जो है सबसे पौष्टिक है, इसमें जो है अत्यधिक मात्रा में जो विटामिन, मिनरल, आयरन इत्यादि पाए जाते हैं और सबसे अधिक इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो कि अधिक कैलोरी मात्रा प्रदान करती है, जिससे कि आदमी को शक्तिवर्धक फल के रूप में माना जाता है। खजूर के विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं जिनका प्रयोग हम बाद में कर सकते हैं ताज़ा फल खाने के अलावा, और सबसे अच्छा उत्पाद इसका छुहारा बनाया जाता है जो कि छुहारा काफ़ी समय तक हम संरक्षित कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं कि हमारे संस्थान में जो है एक नेटवर्क प्रोजेक्ट चली, उस नेटवर्क प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है पौधे जो है चिन्हित किए गए और लगाए हैं जो कि लाल रंग के फल देने वाली जो किस्म है जो कि हमारे संस्थान द्वारा संस्तुत की गई है, विकसित की गई है और वो अगेती है, बहुत जल्दी उसमें फल आते हैं, फल मीठे भी होते हैं और अच्छा उत्पादन देता है जिसका बगीचा जो लगा हुआ है। और ख़ास करके पश्चिमी राजस्थान में तो ये किस्म जो है बहुत ही अगेती आ रही है, सबसे अगेती जो है उत्पादन में, जिसके फल ताज़ा खाने और अन्य जो है मूल्य संवर्धित पदार्थ बनाने के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं। संस्थान ने शोध कार्यों से कुछ ऐसी सब्जियों के किस्मों का विकास किया है जो अब तक केवल उष्ण और उपोष्ण वातावरण में ही पैदा की जाती थी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य शुष्क क्षेत्रों में शोध करना और इन क्षेत्रों के अनुसार तकनीकी विकसित करना। राजस्थान के मरुस्थल में उगने वाली वनस्पतियों में खेजड़ी एक महत्वपूर्ण वृक्ष है। खेत में खेजड़ी वृक्ष का होना भूमि की उपजाऊ शक्ति का प्रतीक है। इसका प्रत्येक भाग किसी न किसी तरह मरुस्थलीय प्राणियों के लिए उपयोगी और जीवनदायी है। खेजड़ी स्वतः पनपने वाली प्रजाति है जो कि शुष्क क्षेत्रों की एक प्रमुख सब्जी और चारा फसल है। संस्थान ने खेजड़ी की व्यवस्थित तरीके से खेती करने की तकनीक का विकास किया है जिससे खेजड़ी से अधिक उत्पादन पाया जा सकता है। खेजड़ी मरुधरा का कल्प वृक्ष है, यह यहाँ की स्थानीय वनस्पति है तथा इसको वैज्ञानिक भाषा में प्रोसोपिस सिनेरेरिया के नाम से जाना जाता है। ऐसी प्रजाति है जिसका चारा बहुत उपयोगी है एवं इससे पौष्टिकता वाली कच्ची फलियां प्राप्त होती हैं, जिसको स्थानीय भाषा में सांगरी के नाम से जाना जाता है और ये पंचकूटा सब्जी की एक महत्वपूर्ण घटक है। वर्तमान में खेजड़ी के असंख्य बीजू पेड़
मरुधरा को एक पर्यावरण संतुलन दे रहे हैं, परंतु इसको बागवानी का वृक्ष बनाने के लिए संस्थान में वर्ष 2000 से एक ऐसा नवोन्मेषित कार्य किया गया जिससे इसके एक समान किस्म के अनुरूप बगीचा विकसित कर सके तथा किसान इसको बागवानी फसल में अपना कर अधिकाधिक लाभ ले सके। इसमें वनस्पतिक प्रवर्धन की कलिकायन तकनीकी से पौधों को पेबंदी बनाया जाता है तथा पेबंदी अथवा कलमी पौधे 3-4 वर्ष आयु पर ये अच्छी गुणवत्ता की एक समान सांगरी तथा लूंग का उत्पादन देते हैं। किसान इसको अब वर्षा आधारित एवं कम संसाधन में इसकी व्यवस्थित बागवानी कर इससे व्यवस्थित उत्पादन ले सकते हैं तथा एक हेक्टेयर में 200 से लगाकर 500 पेड़ों को अलग अलग प्रारूपों में समावेश कर सकते हैं। वर्तमान में सांगरी के लिए किसान बगीचे लगा रहे हैं तथा इनके कई प्रारूप हैं, लेकिन 4x4 मीटर और 24x4x4 मीटर प्रारूप इसकी बागवानी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। स्थान में वानस्पतिक प्रवृत्ति से 15 जन्म राज्य भी इकट्ठा किया, उसमें से सर्वश्रेष्ठ प्रजाति थार शोभा को वर्ष 2007 में किसानों के लिए जारी किया गया और इस किस्म के अभी संस्थान में प्रतिवर्ष 50,000 से 1,000 पौधे किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे किसान थार शोभा के 3-4 वर्षीय पौधों से 5-6 किलो सांगरी तथा 4-5 किलो लूंग प्राप्त करते हैं, जिससे किसान यहाँ खेजड़ी आधारित बागवानी व्यवस्थाएं विकसित कर अत्यधिक कम संसाधनों में अधिक लाभ ले सकते हैं तथा यहाँ पर वो अपना स्वरोजगार विकसित कर सकते हैं। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कद्दू वर्गीय फसलें बहुतायत में पैदा की जाती हैं। संस्थान ने शोध कार्यों से कुछ ऐसी सब्जियों के किस्मों का विकास किया है जो अब तक केवल उष्ण और उपोष्ण वातावरण में ही पैदा की जाती थीं। संस्थान द्वारा विकसित इन किस्मों को गर्म शुष्क वातावरण के अनुकूल तैयार किया गया है। शुष्क क्षेत्रों में कद्दू वर्गीय सब्जियों का एक विशेष स्थान है। इन सब्जियों में एक विशेषता होती है कि इनमें थोड़ा सूखा सहन करने की क्षमता होती है तथा इन सब्जियों को साल में 2 बार लगाया जा सकता है। जुलाई में इनकी बुआई की जा सकती है तथा फिर इनकी बुआई फरवरी मार्च में की जा सकती है। यहाँ पर मुख्यतः तरककड़ी, धारीदार तोरई, चिकनी तोरई, तरबूज तथा खरबूजा पर हम काम कर रहे हैं और इनमें कई किस्मों का विकास किया है। जैसे तरककड़ी में थार शीतल नामक एक वैरायटी का विकास किया है जिसकी उपज 150 से 180 क्विंटल प्रति हेक्टर होती है। इस किस्म की मुख्य विशेषता यह है कि यह उच्च तापमान पर भी फूल देती है तथा अधिक उत्पादन देती है। अगर हम धारीदार तोरई की बात करते हैं तो उसमें थार करणी नामक एक उन्नत किस्म का विकास किया है जिसमें जो एक मोज़ेक डिजीज आती है, जो वायरस से आती है, वो कम आती है तथा थार करणी भी उच्च तापमान पर अच्छी उपज देती है। ये दोनों ही किस्में 42 डिग्री सेल्सियस तापमान तक अच्छा उत्पादन देती है, क्योंकि शुष्क क्षेत्रों में अधिक तापमान एक प्रमुख बाधक है। इसी को मद्देनजर रखते हुए इन दोनों किस्मों का विकास किया गया। इन दोनों ही किस्मों का ट्रूथफुल लेबल सीड, सत्य प्रमाणित बीज जिसको कहते हैं, उसका प्रतिवर्ष उत्पादन किया जाता है तथा किसानों को विक्रय किया जाता है। संस्थान के वैज्ञानिकों ने अनार की उच्च उत्पादन क्षमता वाली एक उन्नत किस्म को विकसित किया है जिसे अनार की भगवा किस्म के नाम से जाना जाता है। अनार की यह किस्म मीठे पानी के साथ ही खारे पानी के प्रयोग से भी अधिक पैदावार देती है। शुष्क क्षेत्र के किसान हमारे यहाँ पर अनार की भगवा किस्म जो हमारे केंद्र ने विकसित की है उसके बगीचे आजकल यहाँ पर काफी लग रहे हैं, लेकिन कुछ किसान भाइयों के पास हमारे खारा पानी उपलब्ध है जिससे कि वो विकसित करने में समर्थ नहीं है। तो हमारे संस्थान ने एक तकनीकी विकसित की है कि हमारे जो नहर का पानी जिन किसानों के पास है और खारा पानी भी है उनके साथ साथ, उसको यदि मिलाकर के 50% खारा पानी और 50% यदि मीठा पानी नहर का ले लें और उसको वो विकसित करें तो अनार का भगवा वेराइटी का जो बगीचा है वो उनको विकसित करने में बहुत आसानी होगी और उसकी पैदावार और गुणवत्ता भी उसकी अच्छी होगी, क्योंकि ये जो खारा पानी है इससे गुणवत्ता में भी फर्क आता है और उसकी गुणवत्ता को वो प्रभावित करता है और जो मीठा पानी है वो उसकी पैदावार को बढ़ाता है। तो उन दोनों को साथ मिला देंगे तो उसकी गुणवत्ता और पैदावार में वृद्धि होगी और यहाँ पर किसान उससे अधिक से अधिक लाभ
कमा सकते हैं। ये जो भगवा वैरायटी है पूरे देश में फैली हुई है और हमारे किसान भाई भी इसको यहाँ पर उसके बगीचे लगा रहे हैं, तो उसके लिए ये तकनीकी खारा और मीठा पानी यदि मिला करके उसके बगीचे विकसित करें तो उनको बहुत ज़्यादा लाभदायी रहेगा। संस्थान के वैज्ञानिकों ने नींबू वर्गीय फसलों के उत्पादन की तकनीक विकसित की है, जिससे अधिक पैदावार तो मिलती ही है, साथ ही उनकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। संस्थान ने खेजड़ी की व्यवस्थित तरीके से खेती करने की तकनीक का विकास किया है, जिससे खेजड़ी से अधिक उत्पादन पाया जा सकता है। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में जहां दूसरी फसलें कम या ना के बराबर उत्पन्न होती हैं, वहां बेर आय को बढ़ाने का एक अच्छा विकल्प है। संस्थान के वैज्ञानिकों ने बेर से अच्छा उत्पादन पाने के लिए बेर की खेती की सघन पद्धति और कई नवीन किस्मों का विकास किया है, जिससे अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा रहा है। सामान्यतः यहाँ का किसान सदियों से बेर की खेती करता रहा है, लेकिन उसकी खेती विगत कुछ वर्षों में लाभकारी नहीं रह गई है। उसका मुख्य कारण यही रहा कि वो पुरानी प्रजातियों को उगाते रहे, पुरानी विधियों से उगाते रहे। सामान्यतः बेर की खेती करने के लिए यहाँ का किसान बेर का बगीचा 8x8 मीटर की दूरी पर लगाता है, जिससे 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग 150 पौधे आते हैं और उसकी कुल उत्पादकता लगभग 50 कुंटल उसको मिलती है। और इस 50 कुंटल उत्पादकता, जिसमें अच्छे गुणवत्ता के फल भी नहीं होते हैं, वो अलाभकारी उद्यम सिद्ध हुआ। इसीलिए केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में पहली बार एक अभिनव प्रयोग किया गया, जिसमें बेर के पौधों को विभिन्न प्रकार की विधियों से उनकी ट्रेनिंग की गई। इस अभिनव प्रयोग में 4 प्रकार के प्रयोग किए गए, जिसमें से पहला प्रयोग रहा कि उसको अवाई आकार की पद्धति में बेर के पौधों को लगाया गया। दूसरा रहा, उसको हमने स्पेलियर सिस्टम में लगाया। तीसरा उसकी विधि रही, उसको हमने टेलीफोन में लगाया। और चौथा, जो किसानों की पद्धति होती है, उसको हमने तुलना के लिए साथ में लगाया। इस प्रयोग को करने में हम लोगों ने 4 प्रजातियों का यहाँ पर अध्ययन किया, जिसमें से इस क्षेत्र की एक प्रमुख प्रजाति है गोला, दूसरी प्रजाति हमारे एक संस्थान द्वारा निकाली गई प्रजाति है गोमा कीर्ति, तीसरी प्रजाति एक सबसे जल्दी पकने वाली हमारी प्रजाति है थार सेविका, और चौथी प्रजाति थाई बेर। ये 4 प्रकार के बेर और 4 प्रकार के ट्रेनिंग सिस्टम के साथ ही अभिनव प्रयोग किया गया। इस प्रयोग की खासियत ये रही कि इसमें पहले ही वर्ष से फल आने लगते हैं। साधारणतया जो किसान बेर की खेती करता है उसमें 4th साल से उसको कमर्शियल फसल मिलती है, लेकिन यह जो प्रयोग किया गया इसमें लगाने के 1 साल बाद ही इसमें उत्पादन मिलने लगा। दूसरी सबसे बड़ी खासियत इस प्रयोग की ये रही, किसान जो पुरानी पद्धति से खेती करता था तो उसमें फल को तोड़ने में सबसे बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि ये कांटेदार फल होता है, अतः उसका जो सबसे ज़्यादा इनपुट कास्ट बेर के फलों को तोड़ने में लगती है वो चली जाती थी, इसीलिए उसका जो उद्यम होता था वो अलाभकारी हो जाता था। हमारे नई विधि में हमने इस प्रकार से बेर के पौधों की ट्रेनिंग की है, उसकी ऊंचाई हम 6 फीट तक के रखते हैं, जिससे सामान्य आदमी उसको खड़े होकर के उसके बेर के फलों को आसानी से तोड़ सकता है। हम इसकी हर साल प्रूनिंग करते रहते हैं, कम इसकी डालियां रखते हैं, पौधे को एक नियंत्रित आकार देते हैं, जिसके कारण तोड़ने में हमें कोई समस्या नहीं रहती है। दूसरी सबसे बड़ी खासियत होती है कि हम इस प्रयोग को इसलिए नहीं कर रहे थे कि इसकी उत्पादकता बढ़ाई जाए, हम इसको प्रयोग को इसलिए कर रहे थे कि सबसे गुणवत्ता युक्त फल मिले। अगर अच्छे गुण के फल रहेंगे तो उसका बाजार में अच्छी कीमत रहेगी। जो हमारी पुरानी पद्धति थी उसमें 1 हेक्टेयर फसल
जब पककर के तैयार होती थी तो कुल उत्पादन लगभग 60 कुंटल मिलता था, लेकिन हमारी जो नई पद्धति हमने खेती की इसमें हमको 110 कुंटल एक हेक्टेयर से उत्पादन मिल जाता है। शुष्क क्षेत्रों में बागवानी फसलों की खेती निश्चित ही सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। फल वृक्षों में जल की कमी और सूखा सहन करने की क्षमता अनाज वाली फसलों की अपेक्षा अधिक होती है। साथ ही फल वृक्षों में कीट व्याधियों का प्रकोप भी अपेक्षाकृत कम होता है। संस्थान के वैज्ञानिकों ने इन क्षेत्रों के लिए नींबू वर्गीय फसलों के उत्पादन की तकनीक विकसित की है, जिससे अधिक पैदावार तो मिलती ही है, साथ ही उनकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। गर्म शुष्क क्षेत्रों में नींबू वर्गीय फल जैसे किन्नू, मौसमी, लाइम, लेमन की खेती बहुत लाभदायक सिद्ध हो रही है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान पिछले 25 सालों से नींबू वर्गीय फलों पर काम कर रहा है। गर्म शुष्क क्षेत्र में जो उच्च तापमान होता है और पानी बहुत कम होता है, बरसात बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ऐसी किस्मों और का चयन करना चाहिए जो उस तापमान को सहन कर सके और कम पानी में अधिक उपज दे सके। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान ने जो मौसमी होती है उसकी 10 किस्मों का मूल्यांकन किया है और उन किस्मों में जो सतगुड़ी किस्म है और मौसमी किस्म है वो बहुत अच्छी पाई गई है और वो गर्म शुष्क वातावरण में उस तापमान में और कम पानी में 15 से 20 टन तक प्रति हेक्टेयर उत्पादन देने में सहायक है, जिससे किसानों को लगभग 2.5 से 3 लाख प्रति हेक्टेयर लाभ शुद्ध लाभ प्राप्त होता है। इसी प्रकार किन्नू की खेती है वो भी काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो रही है और किन्नू की खेती में किसानों को प्रति हेक्टेयर लगभग 25 से 30 टन तक उपज प्राप्त होती है, जिससे किसानों को 2.5 से 3 लाख रुपए उपज प्राप्त होती है। और जो नींबू वर्गीय पौधों की खेती करने के लिए जो शुष्क वातावरण होता है उसमें जो मुख्य विशेषता है कि जो पानी का उपयोग करते हैं वो मीठा होना चाहिए, उसका जो ईसी होता है जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होता है वो 1 से कम होना चाहिए, जिससे इसकी खेती जो कैनाल इरिगेशन की फैसिलिटी जहाँ पे अवेलेबल है वहाँ पे आसानी से की जा सकती है। गुणवत्ता युक्त उत्पादन के लिए रेगिस्तानी भूमि की संभावना के बारे में अब जागरूकता ने इस क्षेत्र के लोगों के लिए पोषण स्थिरता प्रदान करने के लिए न केवल दायरा खोल दिया है बल्कि बागवानी के लिए नए क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए भी सहायक है। संस्थान का यह फसल सुधार विभाग किसानों के लिए विभिन्न शुष्क क्षेत्र की बागवानी की प्रजातियां विकसित करने में तत्पर है, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न शुष्क क्षेत्र में उगने वाली फलदार फसलों एवं सब्जियों की फसलों की लगभग 44 प्रजाति विकसित कर चुके हैं, जिसमें 20 प्रजाति सब्जियों की हैं, 24 प्रजातियां हमारी फलदार वृक्षों की है, जो कि हमारे किसानों में बहुत ही लोकप्रिय हो रही हैं। उदाहरण के रूप में काचरी की हमारी AHK 119 बहुत ही पॉपुलर हो रही है, जिसकी डिमांड हमारे को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु जैसे प्रदेशों से आ रही है। इसी के साथ में बेलपत्र की हमारी प्रजाति गोमा जैसी की भी पूरे देश भर से डिमांड आ रही है, जो कि हम निरंतर किसानों को सप्लाई कर रहे हैं। इसी के साथ साथ में जो प्रजातियाँ हम लोगों ने यहाँ पर विकसित की है उनकी DNA फिंगर प्रिंटिंग भी की जा रही है। बायोटेक्नोलॉजी लैब में हमारे टिश्यू कल्चर तकनीकी का भी उपयोग हो रहा है, जिसमें हमने 6 फसलों के बहुत अच्छे प्रोटोकॉल विकसित किए हैं, जिसमें लसोड़ा, कैर, नींबू, कैक्टस पियर, एलोवेरा और खजूर, इन फसलों के हमने बहुत अच्छे प्रोटोकॉल डेवलप किए हैं, इन पर हमारा अभी भी निरंतर कार्य चल रहा है। संस्थान का कृषि प्रसार विभाग मानव संसाधन और तकनीकी विस्तार के लिए कार्य करता है। हमारा विभाग मानव संसाधन एवं तकनीकी हस्तांतरण का कार्य करता है। हमारे संस्थान ने बहुत सारी तकनीकें विकसित की हैं, जिनमें प्रमुख रूप से इम्प्रूव्ड वैरायटी, जिनको हम किस्म बोलते हैं, उनके उत्पादन की तकनीकियां और पानी एवं मिट्टी संबंधित कई तकनीकियां और जो बीमारियां लगती हैं फसलों में उनको रोकथाम के लिए कई तकनीकें विकसित की हैं। समय समय पर हम किसानों को इनके बारे में जानकारी देते हैं और इनको जानकारी देने की जो मुख्य विधियां हैं उनमें किसानों को समय समय प्रशिक्षण देना और प्रक्षेत्र प्रदर्शन लगाना और किसान मेले का भी आयोजन करते हैं। इस तरह की जो विधियां इनसे हम जानकारी देते हैं शुष्क बागवानी की जो नई तकनीक यहां से विकसित की उनके बारे में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान ने अपनी स्थापना वर्ष से अब तक कई उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जिससे शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कृषि उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने में